सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू बायर्स पॉइंट। अगर आप एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेना चाह रहे हैं और आपका बजट 10 से 20 हज़ार रुपीज़ तक है एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी वॉशिंग मशीन आपको परचेज करनी है, तो डोंट वरी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स के बारे में, और साथ ही साथ हम इन मशीन्स के फीचर्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे आप एक बेटर डिसीजन ले पाएं। वीडियो में बताई गई सभी वॉशिंग मशीन्स वेल ट्रस्टेड ब्रांड से हैं और साथ ही साथ इन सभी में आपको बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉशिंग मशीन्स के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके बेस्ट बाइंग लिंक्स प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप इन्हें वहां से जरूर चेक कर सकते हैं। सो गाइस, बेस्ट वॉशिंग मशीन्स की लिस्ट में नंबर 5th पर आती है पैनासोनिक की ये वॉशिंग मशीन। इसमें आपको 680 आरपीएम की मोटर देखने को मिलेगी और साथ ही में आपको 8 वॉश प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे। इस मशीन में आपको मैजिक फिल्टर मिल जाएगा और ये बेसिकली क्या काम करता है कि कपड़े धुलते टाइम जो उनमें से धागे या रुए निकलते हैं थोड़े बहुत, उनको ट्रैप करता है और आपको इसे वीक में कम से कम 1 से 2 बार तो क्लीन करना होगा। ये वॉशिंग मशीन फजी कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ में आती है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वन टच स्मार्ट वॉश के बारे में। सो गाइस, बेसिकली आप इस फीचर में वॉश साइकिल और कपड़े सुखाने के टाइम को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। इस मशीन में आपको टब क्लीन और टब ड्राई का फीचर भी देखने को मिल जाएगा और गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो मुझे लगता है सभी वॉशिंग मशीन में होना चाहिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन के रेगुलर यूज करने से उसके ड्रम पे डिटर्जेंट की एक लेयर फॉर्म हो जाती है और जिसे क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। आपने इस फीचर को महीने में कम से कम एक बार जरूर यूज करना है जिससे आपके मशीन के ड्रम की ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। पैनासोनिक की ये वॉशिंग मशीन रस्ट प्रूफ बॉडी के साथ में आती है और इसके टॉप पर जो डोर है वो एक सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है, और साथ ही साथ ये वॉशिंग मशीन आती है मेमोरी बैकअप के साथ में। अब गाइस, इस फीचर में क्या होता है कि सपोज वॉशिंग के टाइम पे पावर कट हो जाता है तो वापस पावर आने पर ये मशीन उसी टाइम से वॉशिंग स्टार्ट कर देगी जिस टाइम पर ये रुकी थी। अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो गाइस, पैनासोनिक की तरफ से आपको इस पर 2 ईयर्स की प्रोडक्ट और 10 ईयर्स की मोटर वारंटी मिलेगी, और गाइज अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो करेंटली ये आपको 13,990 रुपीज़ की पड़ेगी। तो जो लोग फर्स्ट टाइम टॉप लोड वॉशिंग मशीन परचेज करने वाले हैं और उनको फीचर्स से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है तो वो इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं, बहुत सही वॉशिंग मशीन है ये। नंबर 4th पर जो वॉशिंग मशीन है वो आती है वर्लपूल की तरफ से। ये एक 6.5 केजी की वॉशिंग मशीन है और गाइस, 6 और 6.5 केजी का सेगमेंट मैं उनके लिए रेकमेंड करूंगा जिन लोगों को सिर्फ 2 से 3 लोगों के कपड़े धोने हैं। अगर मैं इस मशीन की बात करूं तो इसमें आपको स्पायरो वॉश टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जिसमें इस मशीन का पल्सेटर और ड्रम दोनों मिलकर एक यूनिक सर्कुलर मोशन में वाटर करंट को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कपड़े काफी अच्छे से साफ होते हैं। इस मशीन में आपको जीरो फिल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी और इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके यहाँ वाटर प्रेशर काफी लो है तब भी इसका टब काफी जल्दी फिल होगा। वर्लपूल की ये वॉशिंग मशीन 6th सेंस टेक्नोलॉजी के साथ में आती है जिसमें ये मशीन लोड को सेंस करके, यानी कपड़ों के वेट को सेंस करके, डिटर्जेंट और वाटर का अमाउंट और टाइम कितना चाहिए उन्हें वॉश करने में, इन तीनों को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी और आपको एक एनर्जी सेविंग, वाटर सेविंग और डिटर्जेंट सेविंग हाई क्वालिटी वॉश देगी। इस मशीन में 740 आरपीएम की मोटर आती है और गाइज मैं आपको बता दूं कि जितने ज्यादा आरपीएम की मोटर होगी उतनी ही अच्छी वो मशीन आपके कपड़ों को धोएगी और साथ ही साथ उतना ही जल्दी वो उन्हें सुखाएगी भी। वर्लपूल की इस मशीन में आपको 12 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, स्टेनलेस स्टील ड्रम मिल जाता है और गाइज इसमें आपको एक एक्वा स्टोर का फीचर भी देखने को मिल जाता है जिसमें ये मशीन नेक्स्ट वॉश के लिए पानी स्टोर करके रख सकती है। तो गाइज ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा जिनके यहाँ रनिंग वाटर की प्रॉब्लम है। अगर मैं इस मशीन के अदर फीचर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेस वॉश का फीचर देखने को मिल जाता है, लिंट फिल्टर मिल जाएगा, ऑटो टब क्लीन मिल जाएगा और साथ ही में आपको मेमोरी बैकअप भी मिल जाएगा। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो वर्लपूल की तरफ से आपको इस पे 2 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी और 5 ईयर्स की मोटर वारंटी मिलती है। एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गया कि वर्लपूल ने इसमें हार्ड वाटर वॉश का फीचर भी दिया है, जो वर्लपूल क्लेम करता है कि ये मशीन हार्ड वाटर कंडीशंस में भी अच्छी वॉश क्वालिटी देगी। लेकिन गाइज ये इतने यूजफुल फीचर नहीं है, आपको तब भी एक एक्सटर्नल वाटर सॉफ्टनर की जरूरत पड़ेगी। प्राइस की अगर हम बात करें तो करेंटली ये 13,990 रुपीज की कॉस्ट करेगी। तो जिन लोगों का बजट 13-14 हज़ार रुपए का है और उन्हें काफी सारे फीचर यूज करने हैं तो ये वॉशिंग मशीन मैं उन लोगों के लिए रेकमेंड करूंगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप इसे जरूर चेक करिए। सो नंबर 3rd पर जो वॉशिंग मशीन आती है वो आती है LG की तरफ से। इसमें आपको स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और जिसका बेनिफिट ये होता है कि ये मशीन काफी कम बिजली खर्च करेगी, बहुत कम नॉइज लेवल्स होंगे और तीसरी, इसकी मोटर काफी लंबे टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर बात करें इसकी मोटर की तो इसमें आपको 700 आरपीएम की मोटर दी गई है, 8 वॉश प्रोग्राम्स मिलेंगे। इस मशीन में स्टेनलेस स्टील वाला एक टर्बो ड्रम दिया है और बेसिकली टर्बो ड्रम नाम इसलिए रखा है क्योंकि इस मशीन में इसका ड्रम और इसका पल्सेटर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं जिससे एक यूनिक मोशन क्रिएट होता है और कपड़े काफी अच्छी तरह से धुल पाते हैं।
LG ने इसमें फजी लॉजिक कंट्रोल टेक्नोलॉजी यूज की है और यही टेक्नोलॉजी जो नंबर 5th पर पैनासोनिक की वॉशिंग मशीन है उसमें यूज की है। और इसमें होता यह है कि ये लोड को मेजर करके यूजर को एक एप्रोप्रिएट वॉश प्रोग्राम और वाटर लेवल सजेस्ट करती है उनको धोने के लिए। ये ऑलमोस्ट वर्लपूल की 6th सेंस टेक्नोलॉजी से सिमिलर है। LG का ये 7kg मॉडल है और गाइस 7kg की वॉशिंग मशीन मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिनको 3 से 4 लोगों के कपड़े धोने हैं। बात करें अगर हम इस मशीन के अदर फीचर्स की तो इसमें आपको क्विक वॉश, टब क्लीन, ऑटो रिस्टार्ट, चाइल्ड लॉक और स्मार्ट डायग्नोसिस जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। स्मार्ट डायग्नोसिस यानी अगर इस मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये अपनी LED स्क्रीन पर एरर कोड्स शो करने लगेगी या फिर ये आपके मोबाइल में LG की थिंक ऐप में भी एरर कोड्स शो करने लगेगी जिसे आप जान पाएंगे कि मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो LG की तरफ से यहाँ पर आपको 2 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी और 10 ईयर्स की मोटर वारंटी मिलेगी। वहीं पर अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 18,990 रुपीस की कॉस्ट करेगी। बहुत ही बढ़िया वॉशिंग मशीन है ये, आप इसे ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आती है IFP की ये वॉशिंग मशीन। इसमें आपको 720 RPM की पावरफुल मोटर देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको 8 वॉश प्रोग्राम्स के साथ में स्टेनलेस स्टील का ड्रम भी देखने को मिलेगा। इस मशीन में आपको एक ट्रायडिक पल्सेटर देखने को मिल जाता है, यानी इसके पल्सेटर पर सॉफ्ट स्क्रब पैड्स प्रेजेंट हैं, जो एक सेम वैसा ही इफेक्ट क्रिएट करते हैं जैसे कपड़े हाथ से धुलते हैं। इस मशीन में 3D वॉश टेक्नोलॉजी का यूज किया है। बेसिकली इस मशीन के अंदर अलग अलग लोकेशंस पर जेट्स लगे हुए हैं जो पानी फेंकते हैं ताकि कपड़े अच्छे से डूब जाएं और आपको एक हाई क्वालिटी वॉश मिले। IFB ने अपनी इस वॉशिंग मशीन में एको एनर्जी वाटर सॉफ्टनर का फीचर भी दिया है, यानी मशीन में एक बिल्ट इन डिवाइस है जो फिल्टर ट्रीटमेंट करेगा और डिटर्जेंट को पानी में अच्छे से डिजोल्व करेगा और ये दोनों ही प्रोसेस कपड़ों में से गंदगी को काफी बेहतर तरीके से निकालेंगे। IFB का एक और कहना है कि ये मशीन हार्ड वाटर वॉश भी कर सकती है, लेकिन गाइस मैं फिर कहूंगा कि ये फीचर इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, आपको तब भी एक वाटर सॉफ्टनर लेना होगा। अगर मैं इसके अदर फीचर्स की बात करूं तो आपको इसमें स्मार्ट सेंस फीचर मिल जाता है, हाई एंड लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, एक्सप्रेस वॉश का फीचर मिलेगा, मेमोरी बैकअप मिलेगा, लिंट टावर मिलेगा और साथ ही साथ में आपको इसमें LED डिस्प्ले भी इसके कंट्रोल पैनल पर मिल जाएगी। सो गाइस बात कर लेते हैं अब इसकी वारंटी की, तो इसमें आपको 4 इयर्स की मशीन वारंटी, 10 इयर्स की मोटर वारंटी और गाइस इसमें आपको IFP की तरफ से 10 साल का स्पेयर पार्ट सपोर्ट भी मिलेगा। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये आपको करेंटली कॉस्ट करेगी 17,290 रुपीस की। सो गाइस अगर आपको ये सारे फीचर्स रिलेट कर रहे हैं तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं, अदरवाइज जो नंबर 1 पर वॉशिंग मशीन है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 पर जो वॉशिंग मशीन है वो आती है सैमसंग की तरफ से जिसमें आपको 9 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, साथ ही में आपको स्टेनलेस स्टील का डायमंड ड्रम भी देखने को मिलेगा। इस मशीन में मोटर दी गई है 700 RPM की जो कि चलती है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे। क्योंकि ये मशीन डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे चलती है तो आपको यहाँ पर पावर कंजम्पशन और नॉइज लेवल्स दोनों ही बहुत ही कम देखने को मिलेंगे और साथ ही में आपको इसकी मोटर भी काफी लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलेगी। सैमसंग ने अपनी इस वॉशिंग मशीन में इको बबल टेक्नोलॉजी का यूज किया है, यानी वॉशिंग से पहले ये मशीन बहुत सारे बबल्स क्रिएट करेगी जिससे डिटर्जेंट काफी अच्छे से डिजोल्व हो जाता है और कपड़े काफी सफाई से धुलते हैं। इस मशीन में इको टब क्लीन का फीचर भी दिया है, यानी आपको इसके ड्रम को हर महीने क्लीन करना है। इस मशीन का डुअल विंग पल्सेटर काफी स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स प्रोड्यूस करते हैं और गाइस इसके इनर ड्रम पर डायमंड शेप के पैटर्न्स बने हुए हैं जो कपड़ों पर काफी जेंटल होते हैं और उन्हें किसी भी तरह से डैमेज नहीं करते। सैमसंग की इस वॉशिंग मशीन में डिले एंड का फीचर भी देखने को मिलता है। इस फीचर की हेल्प से आपने जितने घंटों के बाद में वॉशिंग स्टार्ट करनी है उसे अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। और गाइज अगर मैं इसके अदर फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है टॉप पर, मैजिक फिल्टर मिल जाएगा, ऑटो स्टार्ट का फीचर है, सॉफ्ट क्लोजिंग लिड मिलता है, चाइल्ड लॉक फीचर है और कंट्रोल पैनल्स गाइज इसके रियर साइड पर हैं जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि उस पर पानी की छींटे भी नहीं आएंगी। सो गाइज अब बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की, तो सैमसंग की तरफ से आपको इस पे 3 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी और 12 ईयर्स की मोटर वारंटी मिलेगी। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको करेंटली 18,390 रुपीस की कॉस्ट करेगी। अगर आप सैमसंग के प्रोडक्ट्स को परचेज करना पसंद करते हैं तो आप इसको जरूर कंसीडर करें, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। सो गाइस इन सभी वॉशिंग मशीन्स के बेस्ट बाइंग लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं, आप उन्हें वहां से जरूर चेक करें। और गाइस मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी वॉशिंग मशीन को लेना पसंद करेंगे। और गाइस अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड तो आप वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप बाइंग।